का पॉपुलर शो ये उन दिनों की बात है में समीर और नैना के बारे में तो हम आपको छोटे से लेकर बड़ी हर टाइप की इंफॉर्मेशन दे ही चुके हैं, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे शख्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ जिसके जानने के लिए आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। वेल, चलिए सीक्रेट रिवील करते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनके करियर की, उनके स्ट्रगल की, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके पर्सनल लाइफ की पूरी कहानी, जो कि है मुन्ना, यानी कि हमारे समीर का क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जहाँ हर लड़ाई में, हर झगड़े में, हर फेस्टिवल में, हर प्यार के मौसम में समीर का पूरा पूरा साथ देते हुए मुन्ना नजर आते हैं, यानी कि वो है समीर के पार्टनर इन क्राइम। जहाँ जहाँ समीर जाते हैं वहाँ वहाँ हमें मुन्ना देखने के लिए मिलते हैं। और आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मुन्ना यानी कि संजय चौधरी के लाइफ से जुड़े उन सारे पहलुओं के बारे में जिनसे आप अब तक अनजान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के फेवरेट मुन्ना की ये लाइफ सक्सेस स्टोरी। ये उन दिनों की बात है, मैं अपने खूबसूरत, दमदार और टैलेंटेड एक्टिंग रोल से हर किसी के दिल में जगह लेने वाले मुन्ना यानी कि संजय चौधरी की जिंदगी से जुड़ी आज हम आपको पूरी सच्चाई, उनके सारे सीक्रेट्स बताने वाले हैं। वल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी के मुन्ना यानी कि संजय चौधरी का निक नेम है संजू और वो पेशे से एक एक्टर रही है। डार्क ब्राउन कलर के साथ ब्लैक बालों से उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। तो वहीं अगर बात की जाए उनके होम टाउन की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुन्ना फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद सिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी स्कूलिंग RPS पब्लिक स्कूल रेवाड़ी, हरियाणा से कम्प्लीट हुई है। अगर फर्दर स्टडीज़ की बात की जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुन्ना ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास कम्युनिकेशन में अपना डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है। तो वहीं अगर उनके डेब्यू सीरियल की बात की जाए तो टीवी पर साल 2015 में कृष्णा कन्हैया के नाम से एक सीरियल आया करता था जो कि रिलीजियस सीरियल था। उससे मुन्ना ने अपने टीवी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। तो वहीं अगर उनके कास्ट की बात की जाए तो वो जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें डांस करना, ड्राइव करना बेहद पसंद है। साथ ही आपको बता दें कि आप सभी के फेवरेट मुन्ना के हाथ पर, जी हां, उनके राइट हैंड पर ओम का टैटू भी बना है, जिससे ये साफ होता है कि उन्हें टैटू का बेहद शौक है। वहीं अगर बात हो मुन्ना के फेवरेट फिल्म की तो बॉलीवुड के 3 Idiots उनको बेहद पसंद है। तो वहीं खूबसूरती में अगर बात हो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तो मुन्ना की फेवरेट लिस्ट में सबसे टॉप पर बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस आती है उसका नाम है आलिया भट्ट। तो वहीं मुन्ना की फेवरेट डेस्टिनेशन अगर कुछ है तो वो है मनाली, जहाँ पर वो अक्सर जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुन्ना ने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक्टिंग स्किल, मास्क आर्ट परफॉर्मिंग, दिल्ली आर्ट थिएटर से अपनी एक्टिंग की पूरी पढ़ाई वहीं से ली है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2015 में एक माइथोलॉजिकल सीरियल से की थी। तो इसके अलावा मुन्ना ने कई और सारे हिंदी TV सीरियल्स में भी काम किया है और उनके इस वर्किंग लिस्ट में शामिल हैं TV सीरियल्स लापता गंज, चिड़ियाघर, परेशान हिल्स, ये उन दिनों की बात है, इस प्यार को क्या नाम दूं, ई लव जैसे तमाम सीरियल्स में मुन्ना अपने एक्टिंग का स्किल्स दिखा चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए उनके कमर्शियल एड्स की तो मुन्ना ने कई सारे कमर्शियल एड्स में भी अपनी एक्टिंग के जलवे अपने फ्रेंड्स को दिखाए हैं। अगर बात की जाए मुन्ना यानी कि संजय चौधरी के एक्टिंग करियर की तो वो काफ़ी यंग, टैलेंटेड और डायनामिक एक TV एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं, जिन्होंने अपने सुपरहिट सब TV लापता गंज से सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें उन्होंने लापता गंज में एक करेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था चुकुंदी लाल मुकुंदी लाल गुप्ता, जो कि 14 साल के एक मेन लीड के रूप में आए थे। इस सीरियल में उनके इस रोल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि हमेशा से वो एक चुलबुले, बबली और हमेशा से एक टैलेंटेड एक्टर के रूप में ही सामने आए हैं। तो वहीं अगर उनके रिसेंटली वर्क की बात की जाए तो आप उनको सोनी टेलीविज़न के पॉपुलर शो
ये उन दिनों की बात है में मेन लीड समीर यानी कि रणदीप राय के बेस्ट फ्रेंड मुन्ना के रोल में देख पा रहे होंगे, जो कि एक हिंदी ड्रामा सीरियल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शो में समीर और नैना की परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई परफॉर्मेंस ज़्यादा सराही जाती है तो वो है मुन्ना की परफॉर्मेंस, जिसके चलते काफ़ी लोगों को उनका मिमिक्री करने का अंदाज, उनके बातचीत करने का तरीका एकदम यूनिक लगता है और इसीलिए मुन्ना को लोग बेहद पसंद भी करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मुन्ना के पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुन्ना को ड्राइविंग का बेहद शौक है और वो सॉन्ग सुनने के भी बेहद शौकीन है। इसके अलावा डांस करना मुन्ना को खास तौर पर पसंद है। तो वहीं अगर इनके रोल की बात की जाए, ये उन दिनों की बात है में, तो हमेशा से ही एक रंगीले किरदार में नज़र आने वाले मुन्ना यानी कि संजय चौधरी अपनी टैलेंट से अपनी ऑडियंस को बांध कर रखते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें मुन्ना के लुक के सीरियल में, तो हमेशा से ही एक फ्लावरी और खूबसूरत कलरफुल रोल में हमें मुन्ना दिखाई दिए हैं, जो कि ना सिर्फ सबको एंटरटेन करते नज़र आते हैं बल्कि अपनी एक्टिंग स्किल्स से हर किसी का दिल जीतने के लिए भी वो काफ़ी जाने जाते हैं। जहां उनका सीरियल में नैना और समीर से खास रिलेशनशिप दिखाया गया है, तो वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल में उनका लव रिलेशन दिखाया गया है नैना की बेस्ट फ्रेंड स्वाति से, जिनका रियल नेम है क्रिस्टीना पटेल, जो कि र्यूमर्स की माने तो ये रियल लाइफ में भी कपल माने जाते हैं। हालांकि मुन्ना यानी कि संजय चौधरी ने इससे पहले कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन अगर उनकी पहचान की बात की जाए तो उन्हें सोनी टेलीविज़न का ये उन दिनों की बात है सीरियल के ज़रिए ही ख़ास तौर पर पहचान मिली है। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संजय चौधरी ने अपने स्टार्टिंग करियर में एक रोल किया था और टीवी सीरियल का नाम था नीली छतरी वाले, जो कि एंटरटेनमेंट चैनल जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ करता था। इसके बाद उन्होंने सीरियल्स में 2014 से अपनी इस तरह से शुरुआत की कि उनको थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी। इसमें वो भगवान दास का लीडिंग ट्रबल वाले रोल में नज़र आए थे, जिसमें उनके करियर को एक ख़ास पहचान मिली। तो इतना ही नहीं, जहां अपने लुक्स के साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, तो वहीं इनके बिंदास एटीट्यूड के चलते इन्हें बैक टू बैक काम भी मिला है। और 2017 में इन्होंने एक हिंदी मूवी प्यार के पंछी में भी अपनी हिंदी करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर इनकी बात की जाए पर्सनल इंटरेस्ट और नेचर लव की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें नेचुरल प्लेसेस पर विजिट करना बेहद पसंद है, यानी कि ये नेचर प्रकृति के बेहद करीब होकर महसूस करते हैं, ये बेहद अच्छा। तो वहीं अगर इनके बॉडी मेजरमेंट की बात की जाए, तो इनका वेस्ट साइज 30 इंचेस है, बाइसेप 12 इंचेस और चेस्ट 38 इंचेस है। खबरों की माने तो आजकल ये लाइमलाइट में अपने और अपनी को आर्टिस्ट क्रिस्टीना पटेल के साथ अपने लव अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में अक्सर बने हुए हैं। हालांकि इन दोनों के र्यूमर में कितनी सच्चाई है इस बात की कॉन्फर्मेशन अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन अगर हम इन दोनों के ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात करें, तो जितने फैंस को ये स्क्रीन पर एक साथ पसंद आते हैं स्वाति और मुन्ना के किरदार में, तो आई एम श्योर इनके फैंस इनको असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही खूबसूरत कोई प्रिंसेस के साथ देखना चाहेंगे। तो वहीं अगर बात करें मुन्ना और पंडित की, तो आपको इस सीरियल में मुन्ना का एक ऐसा किरदार देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फन लविंग है, स्पोर्टी है और किसी से भी डरता नहीं है। लेकिन समीर के लाख मना करने के बावजूद वो समीर के लिए बार बार ऐसी चीज़ें कर जाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि वो इस सीरियल में है समीर का बेस्ट फ्रेंड। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि सीरियल में समीर और मुन्ना की ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड है। समीर और मुन्ना रियल लाइफ में भी अक्सर पार्टी करते स्पॉट किए जाते हैं, तो वहीं आए दिन ये एक दूसरे के इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेज भी भेजते रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मुन्ना के स्किल्स की,
तो आपको इनकी एक्टिंग, इनकी मल्टी टैलेंटेड एक्टिंग का अंदाज़ा इस सीरियल में ख़ास तौर से लग सकता है, जिसके बाद से ही इन्हें सक्सेस में सक्सेस मिलती गई। जी हाँ, अब मुन्ना को रिसेंटली आए कुछ एड्स और नए टेलीविज़न में भी आप देख सकते हैं, जिसमें ये अलग किस्म का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे। हालांकि सीरियल में इनकी पहचान इनके बोल्ड अंदाज और इनके बबली स्टाइल से ही मिली है, लेकिन ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर मुन्ना नए सीरियल्स, नए प्रोजेक्ट्स में किस तरह से परफॉर्मेंस लेवल सेट करके अपने फैंस को गिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल मुन्ना के लव की बात की जाए तो नेचर के बेहद करीब होने के चलते ये अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इन्हें फैमिली के साथ रहना बेहद पसंद है और फिलहाल ये मुंबई में रहते हैं और अपने घर फरीदाबाद को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये थी हमारे सुपर बिंदास टैलेंटेड मुन्ना की कहानी। अगर आपको ये सीरियल उन दिनों की बात है से किसी और स्टार के बारे में पूरी डिटेल चाहिए या पूरी जानकारी चाहिए, या फिर आपके कौन से स्टार समीर और नैना के अलावा इस सीरियल में फेवरेट है, हमें जल्दी से बताएं ताकि हम उनसे जुड़ी आपको ऐसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते रहें। तो भाई अब इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपके जैसे बाकी ही मुन्ना लवर्स के पास भी उनकी पूरी सच्चाई तो पहुंचनी ही चाहिए। साथ ही हमारे चैनल नेक्स्ट नाइट लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ और सिर्फ यहाँ मिलती है आपको आपके फेवरेट सीरियल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें।